गाइस फाइनली 120 पार करने वाले हैं गाइस। ये चेक करिए 116 17 18 19 हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और ये एपिसोड ना थोड़ा मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइस कि अभी ना जस्ट एक प्यारी सी राइड के लिए निकलेंगे दिन में। तो अभी जस्ट मैं उठा था, तो मैं जैसे कि आपको पता ही होगा कंपनी वगैरह जा रहा हूँ, तो इस मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे कि व्लॉगिंग में टाइम से कर पाऊँ। तो मैं अभी उठा था और जस्ट मैंने व्लॉग स्टार्ट ही किया है। तो मॉर्निंग में गाइस अब प्यारी सी राइड के लिए निकलेंगे, तो मिलते गाइस मॉर्निंग में पूरा कम्प्लीटली राइड के साथ। सो गाइस फाइनली अभी ना निकल चुका हूँ मैं और एक प्यारी सी राइड के लिए। तो अभी देखते हैं गाइस, आई डोंट नो, 1% भी नॉलेज नहीं मुझे कहाँ पे जाऊँगा मैं। बट मैं मॉर्निंग में देख रहा था गाइस कि अगर टाइम मिलेगा तो राइड के लिए निकलूँगा और अपनी हल्क को लेके फाइनली गाइस राइड के लिए निकल चुका हूँ मैं। और आगे देखते हैं कैसे क्या सीन होते हैं गाइस। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ अभी दिन का टाइम हो रहा था थोड़ा मतलब 11 बजे के समथिंग, और अभी गर्मी है ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस अभी मेरे राइडिंग जैकेट वगैरह कुछ भी आए नहीं, तो देखते गाइस कैसे क्या सीन रहेगा अपना। तो फाइनली गाइस अभी ना चिताखेड़ा पहुँच चुका हूँ मैं, और अभी मार्केट का क्रेज देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। सो फाइनली गाइस अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये सड़क तो मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है गाइस, खड्डे नहीं है इसमें, और अपनी हल्क ना बड़ी तेज़ी से चलती है यहाँ पे। और मैं ज़्यादा खींचूँगा भी नहीं इसको, क्योंकि गाइस इसकी सर्विस वगैरह भी बाकी है, तो इसका मैं नहीं चाहता इसका माइलेज बिगड़े। और ये गाइस रेसिंग बाइक है तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें इतनी। और मैंने गाइस जब से बाइक ली ना तब से लोगों की गांड इतनी जलने लगी है कि क्या ही बोलूँ मैं। तो फाइनली गाइस आपके सपोर्ट से मैंने बाइक भी ले ली, और अपने न्यू से न्यू मतलब मोटो व्लॉगिंग के सीरीज निकालता रहता हूँ मैं। सर बाइक का गाइस यही रहता है, अभी देख सकते हो कितने खूबसूरत गाइस कितनी खूबसूरत लग रही है। और जस्ट मैं अभी आया था राइड के लिए इस गर्मी में, तो अभी जस्ट मतलब मैंने अभी जस्ट उठ के नहा धो के रेडी होके निकला था मैं राइड के लिए। बट इतनी गर्मी गाइस मैंने सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी मिलेगी साथ में। तो अभी ना जस्ट ये देख सकते हो थोड़ा धूल वगैरह लगा हुआ है इसमें, तो इसको धूल वगैरह को साफ करते हैं। और भाई साहब मैं जिस टाइम पे राइड पे निकलता हूँ ना उसी टाइम पे मुझे पता लगता है कि ये धूल वगैरह लगी हुई है। तो अभी जस्ट मैं आपको बता दूँ ये जस्ट हेलमेट वगैरह निकाल के उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो अभी जस्ट अपना हल्का देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और लोगों के ना रिएक्शन चेक करिए गाइस, मतलब हर लोग देखता है कि भाई क्या है ये मतलब देख आप खुद देखो गाइस। जैसे कि मैं आपको बता दूँ आप खुद देख सकते हो कि इतनी गर्मी है। और जस्ट मैं कल ना उदय भाई से मिलने गया था, तो वहाँ पे कुछ सीन ऐसा हो रखा था गाइस कि उदय भाई मिले नहीं थे मुझे, बट अभी जस्ट मैं आया था ऐसे राइड करने के लिए। और अपनी हल्क को ना गाइस यहाँ पे रोड के बीच में खड़ा कर रखा, और लोगों के रिएक्शन ना इतने तगड़े आ रहे गाइस कि आप लोग भी सोच नहीं सकते हो। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूँ अभी ना चलते कई वीडियो जैसे लोकेशन पर, तो अभी जस्ट इतनी गर्मी लग रही है कि आप सोच नहीं सकते, बट अपनी हल्क को लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं, मतलब बेस्ट लोकेशन पे चलने वाले हैं। तो देखते हैं मतलब कई बेस्ट लोकेशन पे जाके, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं ऐसे नॉर्मली मैं नॉर्मली राइड के लिए आया था गाइस, क्योंकि बाइक लाए राइड के लिए। तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको बेहतरीन लोकेशन बताता हूँ कैसे कैसे सीन होते हैं गाइस। यार मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, तो आवरी माता रानी का दरबार क्यों छोड़े, तो माता रानी के दरबार में गाइस दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मैं ऐसे ही दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहा था, बट मैंने सोचा कि गाइस माता रानी के दरबार ही चलते हैं। तो अभी फाइनली मैं लगभग पहुंच चुका हूँ 1 किलोमीटर का समथिंग, और 1 किलोमीटर को बचा हुआ है। तो अभी जस्ट यहाँ से चलते हैं और उसके बाद माता रानी के दर्शन करवाते हैं यार आपको। तो यार ये ना काफ़ी टेढ़ा ही सीन हो रखा है, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज हो रखी है। और अभी जैसे चलते हैं माता रानी के दरबार, तो फाइनली गाइस खींचते हैं थोड़ी बाइक को। फाइनली पहुँच चुके हैं अपने माता रानी के दरबार, और अपने हल्कों को गाइस यहाँ पे खड़ा कर दिया अभी। तो हेलमेट वगैरह लेके चलना पड़ेगा, वरना पता चला कि कोई हेलमेट ही उठा ले गया। यहाँ पे गाइस कुछ उल्टे सीधे सीन होते रहते हैं, बट माता रानी के दरबार में गाइस अपने साथ तो नहीं होगा, और चलते हैं अपने हल्कों को यहाँ पे खड़ा करके। तो यार फाइनली गाइस आज पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में, और यार फाइनली माता रानी के दरबार पहुँच चुके हैं, और अभी फाइनली दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए हमने। और
ये आया है पीछे के लोकेशन पे। तो माता रानी का कैसा आशीर्वाद बना रहा ना, तो एक दिन में मेहनत के साथ बोल सकता हूँ कि गाइस एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा मैं। और फाइनली ये सीन ना चेक करिए आप लोग, मुझे देखिए नीचे कूद गए गाइस सब। भजन मंडली वगैरह हो रखी है, देख लो गाइस अपना हेलमेट वगैरह भी गाइस यहाँ पे रखा है मैंने गाइस। जैसे कि देख सकते हो अपने हल्कों को यहाँ पे लगाया था, और अभी जस्ट माता रानी वगैरह के दर्शन कर लिए, तो अभी जस्ट यहाँ से निकलने वाले हैं और अपनी फाइनली एक और नेक्स्ट राइड जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ जस्ट यहाँ से निकलने वाला हूँ मैं अभी, तो देखते हैं गाइस कैसे कैसे होते हैं। बस अभी जस्ट देख सकते हो अपनी हल्का को लेके निकलने वाला हूँ और हेलमेट वगैरह पहनते हैं और उसके बाद निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ अभी ना अपनी हल्का को लेके यहाँ से निकलने वाले हैं और नेक्स्ट राइड देखते हैं कहाँ पे होगी। तो अभी जस्ट अपना चैनल भी थोड़ा ग्रो हो चुका है, तो अभी जस्ट निकलने वाला हूँ मैं अपने, और कुछ ही टाइम बाद अपने गोप्रो भी आने वाला है। तो अभी फाइनली माता रानी के वगैरह दर्शन सब कुछ कम्प्लीट हो चुके हैं और ये लोकेशन देख सकते हो अभी यहाँ पे भजन मंडी वगैरह हो रखी है। तो अभी जस्ट बाइक राइड के लिए निकलते हैं यार। इसके धमाल भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर होते हैं जब इसको राइड के लिए निकलते हैं गाइस। सो गाइस यह मशीन ना, ये मेरा दिल है गाइस, एक तरह से समझ लो कि ये मेरा दिल ही है, इसके सिवा मेरा कुछ नहीं है और मैं भी कुछ नहीं हूँ गाइस। तो अभी जस्ट मैं आपको बता दूँ माता रानी वगैरह माता रानी के ना दर्शन कर लिए फाइनली, और अभी जस्ट अपना वो जो रहता है ना हेलमेट में लगाने का गैम्बल वो भी आने वाला है कुछ दिनों में। तो उसके बाद ना अपनी राइड काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि गाइस अभी ना मेरे पास हेलमेट है, बाइक है, बस उसी चीज़ की कमी है। और उसके बाद तो गाइस क्या ही सीन होंगे आपको पता ही होगा। बट अभी ना जस्ट मैं आपको बता दूँ ये रास्ता थोड़ा सिंगल ही है, तो अभी सेफ राइड करने में मज़ा आता ही है, बट बाइक को ना थोड़ी खींच सकते हैं और थोड़ी धीरे भी करना पड़ता है, क्योंकि गाइस जगह जगह पे ये ब्रेकर टाइप आते रहते हैं तो उससे ना दिक्कत हो जाती है अपने को। तो अभी मैं भी गिरता गिरता बचा, पर गाइस ये हल्का ना मेरा साथ देती है तो उससे ना मैं गिरता नहीं कभी, और भगवान मुझे गिरने भी नहीं देते। तो अभी जस्ट देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह है और पब्लिक का ना रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा भयंकर आता है इस बाइक को देखकर, क्योंकि गाइस ये बाइक मतलब सभी लोगों की जान है जान। तो फाइनली गाइस अभी जस्ट पहुंच चुके हैं अपने चीताखेड़ा के समथिंग, और अभी जस्ट चलते हैं करणा महाराज और उसके बाद ना ब्लॉग को देखते हैं कैसे कैसे सीन रहेगा। बट ये रास्ता थोड़ा ख़राब सा हो रखा है, तो इसमें ना सोच समझ के बाइक चलाने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि गाइस कभी यहाँ पे डोक आ जाता है तो कभी क्या आ जाता है, और खड्डे ज़्यादा हो रखे हैं रास्ते में। और भाई ये रास्ता भी नहीं देते यार, ऐसे लोग चूतिया रहते हैं फेंचो, समझ में नहीं आता इनको क्या है क्या नहीं। मुझे एटीएम वगैरह में भी काम था, तो अभी जस्ट एटीएम आ चुका हूँ मैं, और थोड़ा बहुत इसका पिन वगैरह लेते हैं, पिन ना जनरेट करके उसके बाद निकलते गए अपने हल्का को लेके बाहर। देखो कितनी केड़ी लगती और लोगों के रिएक्शन ना गाइस फाड़ू आते। सो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूँ अभी ना हल्का को खींचते हैं और देखते हैं इतना इसका मिनिमम रेस स्पीड कितना होता है, और इस सिंगल रस्ते पर गाइस ट्राई करके देखते हैं, अगर ज़्यादा रिस्की होगा तो नहीं लूँगा। और 85 के समथिंग तो पहुँच गई गाइस। ओ भाई साहब सामने से पेट्रोल वगैरह आ रहा है गाइस, दिक्कत हो जाएगी मुझे शिफ्ट मैन करिया सीट। ओ भाई साहब 101 दो शिफ्ट मैन, ये यार ये मॉडल के लोग बीच में आ जाते हैं, ऐसे इनसे दिक्कत हो जाती है। तो गाइस फिर एक बार वो ट्राई करते हैं और लास्ट इसका ट्राई करेंगे कि ये कहाँ तक चलती है, तो लीजिए एंड ट्राई करते गाइस। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब खींच दी थी बाइक मैंने गाइस, आज फाइनली 120 टच कर ली थी, 120 के समथिंग। और यह गाइस मैंने सेकंड बार किया, तो आज जस्ट मैंने ब्लॉग भी बनाया, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त था अपना। तो फाइनली गाइस ये राइड कंप्लीट होने वाली है, तो अभी चलते हैं थोड़ा और आगे। फाइनली 120 टच करने में बताऊँ क्या ऐसा सीन हो गया गाइस, मैंने हेलमेट का ग्लास ही नहीं लगाया और आंखों में धूल वगैरह क्या पता क्या गिर गया है, तो आंखें जलने लगी उससे गाइस।
तो यार मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में गाइस मैं हेलमेट का ये लगाना ही भूल गया। तो फाइनली मुझे खुद को दिक्कत हो गई यार, आंखों में गिर गया, क्या पता क्या क्या गिरा। तो अभी फाइनली यहाँ पे भी जंगल के बीचों बीच रुका हूँ मैं आके, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी आँख में। तो मैंने 10-5 मिनट रुका और उसके बाद ना फिर अभी चलते हैं यार घर पे। तो ये राइड में गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, और ये फर्स्ट राइड थी गाइस मेरी जो 120 ट्राई थी, 120 मैंने ट्राई किया था, तो 120 फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं स्पीड बाइक चलाने के लिए और ना स्टंट करने के लिए, राइडर होता है बस अपनी राइड करने के लिए, सेफली राइड करने के लिए। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे रुका था, तो अभी जस्ट चलते हैं गाइस और उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे।